तो आज हम चलते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पांडव मंदिर, जिसका सफ़र होता है शुरू हमारा राजा नैनसिंह गुज्जर द्वार से हमारा सफ़र शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पांडव मंदिर, जहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और शिवजी जी के दर्शन प्राप्त किए थे, और प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और इसमें जो पांडवों का महल था प्राचीन, उस महल की जो खुदाई चल रही है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी में। इनके महल की जो खुदाई चल रही है वो इस वजह से चल रही है क्योंकि द्रौपदी के श्राप से पूरा हस्तिनापुर का खेड़ा पलट हो गया था। खेड़ा पलट का मतलब है कि नीचे की मिट्टी सारी ऊपर आ गई थी और जो भी वहाँ पे चीज़ें थी वो सारी दब गई थी, तो उसकी अभी खुदाई चल रही है, गवर्नमेंट उसकी खुदाई करा रही है, तो अभी वो कुछ ही दिख पा रहा है, ज़्यादा नहीं दिख पा रहा, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी करते हैं शुरू, और इसी व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ द्रौपदी घाट, जहाँ पे द्रौपदी रोज नहाने आती थी और उनके वहाँ पे वस्त्र भी धोए जाते थे। तो बने रहिए व्लॉग के लास्ट तक, काफ़ी मज़े का व्लॉग होने वाला है और काफ़ी प्राचीन चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम आ चुके हैं प्राचीन पांडव शिव मंदिर, तो अभी मैं आपको ये पांडव का जो शिव मंदिर है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि 5000 साल पुराना है। इस मंदिर के सामने आप पार्किंग भी कर सकते हैं, पीछे एक पार्किंग का बोर्ड लगा था, मर्जी आपकी, वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसी तरीके का बना हुआ है, नए तरीके से अभी नहीं है ये बना हुआ। तो अभी चलते हैं अंदर, और ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं ये प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ के लिए जाता है, श्री 108 महंत रमन गिरिजी महाराज, हर हर शंभु। तो अभी चलते हैं, तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, बाबा जी बैठे हैं, इनसे भी बात करके देखते हैं, जो भी यहाँ पे रहता है उससे बात करके देखते हैं कि क्या क्या वो इस बारे में जानते हैं। तो काफ़ी विशाल पेड़ है ये, इसके बारे में भी जानेंगे। महाराज जी आप यहीं रहते हो? ना मैं यहाँ ना हूँ, ये रह रही हूँ। नहीं मतलब लंबे समय से आप यहीं पे हो? नहीं नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, यहाँ अपना सेवा पानी के लिए। सेवा पानी के लिए मतलब परमानेंट नहीं हो, कुछ दिन के लिए आए कुछ दिन। आपको यहाँ का इतिहास पता है क्या? मेरे को पता, एक तो मेरे को पीछे महल निकल रहा है। महल कौन सा? ये कच्चा रास्ता सीधा महल पे जाएगा। कच्चा किधर से है रास्ता? ये रास्ता सीधा महल पे है। अच्छा, ये जो ऊपर को गया है? हाँ, ये आपको, ये तो प्राचीन वो है जयंती मंदिर है, उससे आगे जाके महल है। हाँ, आगे इस साइड द्रौपदी घाट है, करण मंदिर है। अच्छा, और महल पे खुदाई चल रही है। अच्छा, इसका क्या इतिहास है? यहाँ पीछे बैठे, यहाँ पे 5 मानव पूजा वूजा की थी तो स्वयं महादेव ने दर्शन दिए थे। अच्छा अच्छा, पांचों पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी और महादेव ने यहाँ पे दर्शन दिए थे। ये 5000 साल पुराना पेड़ है बड़का। अच्छा, 5000 साल पुराना पेड़। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि इसी पेड़ के नीचे पांडवों ने तपस्या की थी और तब उन्हें शिवजी जी ने दर्शन दिए थे। मंदिर इससे आगे को ऐसे ही निकल जाएंगे जंगल में? ऐसे निकल नहीं, जंगल नहीं, आगे और मकान भी है थोड़े। अच्छा अच्छा, उससे थोड़ी आगे जाऊंगा ना। हाँ, तो नीचे ही महल निकल रहा। अच्छा, वहाँ खुदाई का काम चल रहा है? खुदाई चल रही है, मतलब तो निकाल दिया ना बाहर, कमरे उमरे सब निकाल दिए। अच्छा अच्छा, शिव के दर्शन देने के बाद से ही ये शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पांडवों का कुआं है, पांडव अमृत कुआं। इस कुएं में स्नान करने से चरम रोग से मुक्ति मिलती है, मतलब कि सारे रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और इस कुएं में आज भी पानी है, पानी से एक जैसे पंची स्नान कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं इसके अमृत जल से। जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, यहाँ पे आपको शनिदेव मंदिर और शिव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ठंडे पानी की भी व्यवस्था है और नल भी है यहाँ पे,
ताज़ा पानी पीना चाहते हो तो ताज़ा भी मिल जाएगा, ठंडा पीना चाहते हो ठंडा भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर, थोड़ा चलते हैं इसके बैक साइड से। तो ये जो आप मेरे जस्ट सामने देख रहे हैं ये है शक्तिपीठ मंदिर। और ये सारा एक टीले टाइप में है, यहाँ पे बना हुआ पहाड़, हल्का सा पहाड़ टीला सा है उसके ऊपर बना हुआ है। इस शक्तिपीठ का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है और यहीं पे पांडवों ने पूजा करके काफ़ी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। और ये मंदिर 5000 साल पुराना है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से भक्तों की सारे कष्ट और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, आपका आना हो तो इस मंदिर में ज़रूर होके आना। देवी भागवत महापुराणों में वर्णित 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती जी की बाईं ध्वजा का अंग गिरा था जिससे उनका नाम जयंती माता शक्तिपीठ पड़ा। यहाँ पर कुमुदेश्वर भैरव नाम की शक्ति विराजमान है। तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे माता सती का अंग गिरा था उसके बाद से यह शक्तिपीठ बना है। पांडवों का जो किला है अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं उसकी खुदाई चल रही है, गवर्नमेंट उसे ज़मीन में दबे हुए को निकाल रही है और वो है 5000 साल पुराना उसका इतिहास है। पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर और ऐसा कुछ रास्ता उनके महल के लिए जाता है। चारों तरफ जंगल है और ये हाईवे पे बंदर टहल रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे एक कुआं भी है। ये जो कुआं आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रेमत कूप पांडव। यहाँ से ही पांडवों के लिए पानी जाता था, पांडव यहीं पे पानी पीते थे और इसी कुएं से इनके महल का पानी का सारा उपयोग यहीं से होता था। अमृत कूप पांडव स्वामी। अभी जो मैं आपको किला दिखाने वाला हूँ वो 5000 साल पुराना किला है और सारा मिट्टी में दब चुका था, वो खेड़ा पलट हो गया था तो उसे बहुत ही बारीकी से बहुत ही सफाई से उसे निकाला जा रहा है कि वहाँ पे, क्योंकि हमारी एक प्राचीन धरोहर है उसे हम संजो के रख सकें। और इसी में पांडव और कौरव साथ रहते थे, फिर इनका बंटवारा हुआ और उसके बाद एक काफ़ी प्राचीन इतिहास है महाभारत का। यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है लेकिन फिर भी मैं, अभी एक गार्ड भी बैठा है वहाँ पे। तो ये किला है प्राचीन पांडवों का, लेकिन अभी इसे पन्नी से कवर कर रखा है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसकी दीवारों को कोई नुकसान ना पहुंचे पानी से। तो गवर्नमेंट इसे खोदने की कोशिश कर रही है और इसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जितना भी वो निकाल सकें ज़मीन में से, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ज़मीन में दब चुका था। तो आप जैसे ही हस्तिनापुर से बिजनौर साइड को जाएंगे उसी रोड पे से ये कट है द्रौपदी घाट के लिए। तो अभी मेन रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर द्रौपदी घाट है और अभी हम जा रहे हैं द्रौपदी घाट, और इसके आसपास का व्यू कुछ ऐसा है। चार झुमकूर रास्ता है, उस पर पुल बनाया। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली द्रौपदी घाट और रास्ते यहाँ के कुछ ऐसे ही हैं, नीची घाटी मत लेके आना वरना टच हो जाएगी। द्रौपदी मंदिर घाट की जो मान्यता है वो ये मान्यता है कि यहाँ पे द्रौपदी माता रोज स्नान करने आती थी और आज भी
ये मान्यता है कि जो भी स्त्री अपने सच्चे मन से जो अपनी मनोकामना मांगती है वो पूरी होती है। और अभी इसकी स्थिति द्रौपदी घाट की कुछ ऐसी है, और यहाँ पे एक मंदिर भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक प्राचीन पेड़ भी है जो 5000 साल पुराने इतिहास को दिखाता है, दर्शाता है। तो ये है हमारा द्रौपदी मंदिर घाट, इसे मैं अभी आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा। और ये है एक प्राचीन पेड़, यहाँ पे लोग मन्नत मांगकर एक चुनरी बांध देते हैं इसकी डाल पे। तो यहाँ का कुछ इस प्रकार का इतिहास है। लोग हस्तिनापुर आते हैं और पांडव मंदिर आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर होके जाते हैं। इस मंदिर की भी अपनी एक अलग मान्यता। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थोड़ी उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब ज़रूर करना।